अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मज़े में होंगे, खुश होंगे। मैं भी यहाँ पर खैरियत से हूँ। बहुत दिन हो गए मैंने कोई वीडियो ही अपलोड नहीं की, तो चलो मैंने सोचा आज हम वेज रेसिपी कुछ अपलोड करते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वेज थाली की रेसिपी। तो चलिए मिलकर शुरू करते हैं ये रेसिपी। ये फेनुग्रीक की सब्ज़ी मैंने तोड़ ली है, जिसको हम मेथी कहते हैं। इसको हम पानी में भिगो कर रख देंगे। इसे हमें दो पानी से साफ धोकर रखना है, पानी के अंदर ही। सबसे पहले मैंने ये गैस पे कढ़ाई रखी है, उस पर हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। फिर हम डालेंगे 4 से 5 मीडियम कटे हुए प्याज। इस सब्ज़ी में हमें प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, जिससे ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। ये देखिए 5 मिनट के बाद ये प्याज थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 मीडियम साइज आलू, जिसको मैंने ऐसे पतला कट कर लिया है। इसको हमें तेल में थोड़ा ही ब्राउन होने देना है। आलू और मेथी का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लगता है ये सब्ज़ी में, इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। 5 मिनट के बाद ये देखिए ये थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है आलू। अब हम इसमें डालेंगे 4 कटे हुए हरी मिर्च। आपको जैसा चाहिए वैसा कम या ज़्यादा कर सकते हो। फिर इसमें हम डालेंगे 4 से 5 लहसुन की कलियां, जिसको मैंने बारीक चॉप किया है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है सब्जी में। इसके बाद हम डालेंगे ये मूंग की दाल, जिसको मैं 1/2 घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। आप चाहे तो मसूर की दाल या अरहर की दाल भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद हम ये मेथी ऐड करेंगे, जिसको मैंने वॉश करके रखा था। नमक डालना है हमें स्वाद अनुसार। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने देंगे। इसमें हमें बिल्कुल भी पानी इस्तेमाल नहीं करना है। देखिए पानी अपने आप छूटना शुरू हो चुका है। बस हमें लो फ्लेम पे इसको पकाना है, जब तक ये सूख ना जाए। तो ये देखिए हमारी आलू मेथी की रेसिपी रेडी हो चुकी है। ये सब्ज़ी हमारी रेडी हो चुकी है गर्मा गर्म। चलिए इसको सर्व करते हैं। ये लीजिए हमारी वेज थाली रेसिपी रेडी हो चुकी है। ये बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस रेसिपी है, जिसमें दाल, सब्ज़ी, चावल, घी, सलाद सब कुछ है, अचार है। मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।